नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नागर। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उन पर अपने सहयोगियों की मदद से बंदूक की नोक पर एक म्यूजिक कंपनी के CEO का अपहरण करने और मारपीट करने, धमकी देने का आरोप लगा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्हें WFI चीफ का बचाव करते हुए कहा कि खुशी में पहलवान को गले लगाना अपराध नहीं हो सकता। राज्यसभा में 5 सांसदों के बिना इजाजत उनके नाम सिलेक्ट कमेटी में प्रस्तावित करने के आरोप से गिरे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को संसद की विशेष अधिकार समिति ने नोटिस जारी कर दिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2023 को लेकर चल रही तैयारियों के बीच वहां पर भयानक आग लगने से पूरा ड्रेसिंग रूम जलकर खाक हो गया। आगामी वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल में हुए बदलाव के बाद भारतीय टीम जहां पाकिस्तान के साथ 14 को मुकाबला खेलेगी, वही टीम दिवाली वाले दिन नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर अब शिवसेना नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने देश में 80% हिंदू है, उसका मतलब है कि पहले से ही भारत ये हिंदू राष्ट्र है। अक्षय कुमार और संजय देओल की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। दोनों ही फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सुपरस्टार रजनीकांत की पैन इंडिया फिल्म जेलर आज रिलीज हो गई है। फिल्म को भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप और दुबई में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट में लगातार तीसरी बार कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। मौजूदा समय में RBI का रेपो रेट 6.50% पर ही कायम रहेंगे। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ NBC News पर।